डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाफ सब्ट्रैक्टर और हाफ सब्ट्रैक्टर से रिलेटेड गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो शेयर करके, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर में हमारे पास जो है, मतलब हमने हाफ एडर के बारे में भी डिस्कस किया, फुल एडर के बारे में भी डिस्कस किया, सारे पॉइंट्स वहां पे डिस्कस किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, इवन सजेस्टेड वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। हाफ सब्ट्रैक्टर में अगेन हमारे पास, हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं इसको, दो इनपुट हम यहाँ पे देते हैं और हमारे पास दो आउटपुट आती है। तो ये भी क्या है, टू इनपुट टू आउटपुट सर्किट है। और इसमें हम दो वैल्यूज को, जब भी हमें दो बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है तब हम हाफ सब्ट्रैक्टर को यूज करते हैं। तो दो इनपुट होंगी मेरी, x और y मैंने ले ली, और दो मेरी आउटपुट होंगी, ठीक है, वो अभी आपको पता लग जाएगा। तो दो इनपुट है तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 00, 01, 10, 11, ये चार केस बन गए। अब 0-0 मतलब मैं लेट से x माइनस वाई कर रहा हूं, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता, y माइनस x करोगे तो अलग रिजल्ट आ जाएगा। तो x माइनस वाई, पर बात एक ही है, x माइनस वाई करोगे तो मतलब 0-0 किया तो मेरे पास सब्ट्रैक्टर की वैल्यू क्या आई, मतलब आंसर क्या आया, 0 ही आएगा। तो मैंने कुछ बोरो किया नहीं, तो यानी ये मेरी दो आउटपुट है, एक बोरो और एक रिजल्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। 0-1 देखो आपका ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो अगर 0-1 करोगे तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, तो यहां पे आपको एक बोरो लेना पड़ेगा। तो एक बोरो लिया तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। तो 2-1 करोगे तो आंसर क्या आ गया, 1। तो यानी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1, लेकिन आपको एक वैल्यू जो है वो बोरो करनी पड़ेगी, 1 बोरो करना पड़ेगा। 1-0, 1 और 0 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। तो सब्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 1, और कुछ भी आपको बोरो लेने की जरूरत नहीं है। 1-1 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0, तो कुछ भी आपको बोरो लेने की जरूरत नहीं है और आंसर आपका 0। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन यहां पे बना सकते हो, सब्ट्रैक्टर की वैल्यू आ गई, बोरो की वैल्यू आ गई। यहां पे अगर हम बात करें सब्ट्रैक्ट की, तो देखो ये इक्वेशन आपकी सेम ही बन रही है, x XOR y, ठीक है ना, जैसे हमारी हाफ एडर की बनी थी, ये भी देखो सेम ही इक्वेशन बन रही है, x XOR y, लेकिन यहां पे बोरो जो है वो अलग बन रही है। बोरो की वैल्यू क्या आएगी, बोरो आपका बन जाएगा x बार y, ठीक है, बोरो आपका क्या बन गया, x बार y। तो आपसे ये इक्वेशन पूछ सकते हैं कि बोरो का क्या आंसर आया और सब्ट्रैक्टर की क्या इक्वेशन बनी, तो ये बना लो। इसके बाद सर्किट बनाना है तो वो भी सिंपल बन सकता है, एक x ले लिया एक y ले लिया, और यहां पे मैंने उनकी वैल्यू कहां पे डाल दी, उनकी वैल्यू मैंने डाल दी यहां पे गेट में, कौन से गेट में, XOR, ठीक है, तो XOR बनाना है तो XOR बना लो, XOR गेट में डाल दी x और y की वैल्यू, तो ये क्या बन गया, x XOR y, ठीक है। और यहां पे बोरो बनाना है तो बोरो के लिए मैंने क्या ले लिया, x की वैल्यू नीचे ले ली, y की वैल्यू ले ली, लेकिन याद रखना कि x जो है वो बार है, तो इसीलिए x की वैल्यू में आपको नॉट गेट जरूर लगाना, ठीक है ना, तो नॉट गेट लगा के दोनों के बीच में एंड लगा दो, तो एंड लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, x बार y बन जाएगा, ठीक है जी, x बार y बन गया। और यहां पे मेरे पास क्या बन गया, यहां पे मेरे पास ऊपर x और y का XOR बन गया, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी है, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पॉइंट पूछेंगे। तो या तो आपसे ये ट्रूथ टेबल के बारे में पूछ सकते हैं, या इक्वेशन के बारे में, या फिर आपसे ये सर्किट के बारे में। थैंक यू।